इधर राजधानी रायपुर के चांगोरा भाटा बाजार चौक मैदान में पैरी धार के लोक कला समिति द्वारा चांगोरा भाटा में सुआ लोकोत्सव एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। तो कार्यक्रम के आयोजक प्रभा जोशी ने बताया कि पैरी के धार के लोक कला मंच चांगोरा भाटा में इसे करवाया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ लोकगीत और नृत्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ी गाने में अपना भविष्य देखने वालों के लिए मंच तैयार किया गया। तो पिछले 9 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पैरीधार के लोक कला समिति ने इसका आयोजन करवाया और देखिए किस तरीके से बच्चे बड़े यहां पर थिरकते हुए नजर आए। तो हर साल इसका आयोजन यूं ही करवाया जाता है। छत्तीसगढ़िया गानों में भविष्य देखने वालों को एक बड़ा मंच और एक अच्छा सकारात्मक मंच यहां पर मिला है। तो उत्साह आप देख सकते हैं कलाकारों का। चांगोरा भाटा में सुआ लोकोत्सव का आयोजन किया गया। पैरीधार के लोक कला समिति ने इसका आयोजन करवाया। तो थिरकते पैर और ये देखिए दर्शकों की भीड़ आप देख सकते हैं। तो रायपुर, राजधानी रायपुर की ये तस्वीर, छत्तीसगढ़ लोकगीतों को जानने वाले मानने वालों को एक मंच मिला है। चौक में कराने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर हर प्रकार के लोग, चाहे आपके व्यावसायिक हो, चाहे स्कूल से जुड़े हुए हो, चाहे अलग अलग जात और धर्म से जुड़े हुए लोगों को हमारी संस्कृति की पहचान हो सके, इस कारण से हम ये चौक में कराते हैं। कितने वर्षों से करा रहे हैं, आगे किस तरह से कराएं? विगत 10 वर्षों से हम ये कार्यक्रम सतत रूप से कराते आए हैं। कोरोना काल में भी हमारा कार्यक्रम ये सतत रूप से होता हुआ आ रहा है और आने वाले वर्षों में हम इसके बड़े रूप से कराने के इच्छुक हैं। बिल्कुल वैसे ही है, कुछ बदला नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति को ही लेके जो जब से जो चल रहे हैं वो आज भी चल रहे हैं। बस इतना है कि अब और आगे स्तर पर लोगों तक हमारी संस्कृति पहुंचे, ये पूरी कोशिश है। बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये कार्यक्रम देख करके। देखिए हम लोग 9 बहन हम लोग सब अपने अपने काम में हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक ये है कि हम लोग लोक कला शुरू से ही लोक कला से जुड़े हैं, तो प्रथम हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि अपनी लोक कला लोक संस्कृति को आगे बढ़ाएं। खास तौर से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं,